तो हम लोग आए हैं अभी ब्रेकफास्ट करने। हम लोग हालांकि थोड़े लेट हो गए, फिर भी कोई बात नहीं। अभी चाय आया है और हम लोगों ने ब्रेड ऑमलेट ऑर्डर किया था। यहाँ दो ऑप्शन था, ब्रेड ऑमलेट और पराठा का, तो हम लोगों ने ब्रेड ऑमलेट किया है। ये रहा रिपन, ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, ब्रेड ऑमलेट एंड वन गुलाब जामुन। मेरा मन बहुत एक्साइटेड है, दिल भी साथ में काफ़ी एक्साइटेड है सी बीच पे जाने के लिए, क्योंकि कल भाटा चल रहा था। अरे मुझको जाना है पानी के साथ खेलने। तो सुबह में यहाँ जितना अच्छा लगता है सब कुछ, रात को तो और भी अच्छा लगता है दुगना। आसपास के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और इस कैंप में पूरी लाइट ही लाइट, पूरा माहौल जम जाता है गाइस। ब्रेकफास्ट खत्म करके ही हम लोग निकल गए सी बीच के लिए। तो कैंप का एंड में एक छोटा सा गेट है, आप जैसे ही गेट ओपन करेंगे आपको इतना सुंदर सा एक जंगल दिखेगा। तो ये जो रास्ता चला गया सीधा सी बीच, 5 to 7 minutes करीब लगता है, तो चलिए चलते हैं। मॉर्निंग में जंगल का एक अलग ही साउंड होता है, चारों तरफ अलग अलग चिड़िया का आवाज़ आ रहा है और दूर में जो समुंदर है उसका स्लोली धीरे धीरे एक वेव्स का साउंड आ रहा है। इसका अलग ही एक वाइब्स है, इसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। ये कैमरा में हम समझा नहीं सकते आपको। हम लोगों को दिख रहा है यहाँ से सी बीच, क्या मस्त लग रहा है। पानी है गाइस, पानी है। कल थोड़ा सा भी पानी नहीं था रात को, अभी पूरा वेव्स दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कोलकाता के पास ऐसा सी बीच कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको धुबलागुड़ी आना है। जंगल और समुंदर दोनों एक साथ अगर आपको एंजॉय करना है, अलग ही एक एडवेंचरस है। मतलब घना जंगल, उसको जैसे आप क्रॉस करेंगे आपको दिखेगा समुंदर। ये सी बीच में रेड क्रैब्स, लाल केकड़ा बहुत ज़्यादा है। जैसे पास जा रहे वैसे उन लोग छुप जा रहा था, तो प्रॉपरली हम पे कैप्चर नहीं कर पाए, बट बहुत ही ज़्यादा रेड क्रैब्स हैं। सी बीच का साइड में रेस्ट करने के लिए ऐसी जगह बना हुआ है, आप वहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हो, इसका कोई चार्ज नहीं है। करीब 2 घंटे बाद हम लोग वापस आ गए कैंप में। तो कैंप में आने के बाद एक नया इन्फॉर्मेशन मिला हम लोग को, शायद वो न्यू ईयर तक कंप्लीट हो जाएगा। ये जो पॉन्ड है इसके ऊपर फ्लोटिंग टेबल चेयर बन रहा है, बैठने के लिए, खाना खाने के लिए आप लोग इवनिंग में ड्रिंक्स वगैरह लेके एंजॉय कर सकते हो। और साइड में एक बन रहा है डांस फ्लोर। तो देखिए पार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-wheeler 4-wheeler बहुत जगह है, शेडेड पार्किंग भी है। तो चलिए आप लोग को रूम टूर करवाते हैं और यहाँ का जो ओनर है उनसे बात करते हैं। तो अभी हम दिखा रहे हैं आपका एसी प्रीमियम कॉटेज, ठीक है। तो इसमें आपको मिलेगा, ये देखिए एसी प्रीमियम कॉटेज, जैसे कि 6x6.5 के बेड है, जैसे कि हमारा जो मैट्रेस है वो भी 6 inches है, और इसमें सारे व्हाइट बेडशीट, पिलो कवर वगैरह रखा है। यहाँ पे एक टॉवल रहेगा और ये एसी कॉटेज है। यहाँ पे आपको फैसिलिटी, एक टी टेबल मिलेगा आपको, एंड एक अलमारी मिलेगा, जैसे कि डबल बेड का एक अलमारी। यहाँ पे एक बेड टेबल रहेगा, ओके। और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल एक है, खूबसूरत सा प्यारा सा ड्रेसिंग टेबल है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉश बेसिन, नाइसली वॉश बेसिन। एंड ये है हमारा बाथरूम, ओके, वॉशरूम। ये जो कमोड है हमारा, वन पीस कमोड है और सारे प्रीमियम लगाए हैं। एंड यहाँ पे और भी काम थोड़ा बाकी है, जैसे कि यहाँ पे LCD लगेगा और यहाँ पे एक मतलब मिनी बार रहेगा, छोटा सा फ्रिज रहेगा, हैं, ये सब होने वाला है और 2-4 दिन में रेडी हो जाएगा। आज ही से स्टार्ट हुआ है? हाँ, आज ही से स्टार्ट हुआ है। और इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस पर हेड 3000 है, जिसमें आपको 4 times मील्स ऐड रहेगा और 2 times टी एंड कॉफ़ी रहेगा। आप लोग का यहाँ पर क्या टोटल कितना कॉटेजेस है? हमारे यहाँ पे टोटल 19 कॉटेज है। 19 कॉटेज, हाँ। तो एसी इन कितना है, नॉन एसी कितना? एसी हमारा 12 है। 12 है, हाँ, बाकी सब नॉन एसी है। तो ये तो प्रीमियम हो गए, हाँ, इससे कोई लो बजट का? बिल्कुल लो बजट का है, जैसे कि आपका ग्रुप कॉटेज है और नॉर्मल डबल बेड कॉटेज भी है। डबल बेड कॉटेज एसी का जो है वो 2500 का है पर हेड,
उसमें भी फूड इंक्लूड रहता है। और जैसे कि हमारा बड़ा कॉटेज है, जैसे कि फैमिली आएंगे या ग्रुप में आएंगे, तो वहाँ पे आपको क्या होगा कि एक कॉटेज में अगर 4 से 6 जन रहेंगे, डबल बेड वाला है, ठीक है, 6x6 का 2 मैट्रेस रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पे अगर रह जाएंगे तो 2200 रुपये पर हेड एसी का आएगा। अगर नॉन एसी में रहेंगे तो 1600 आएगा, और अगर नॉन एसी में अगर रहेंगे कॉटेज में तो फिर 1800 पर हेड का आएगा। उसमें फूड इंक्लूड, सारे में फूड इंक्लूड रहेगा, 4 टाइम्स फूड रहेगा, वेलकम ड्रिंक्स रहेगा और 2 टाइम टी रहेगा। ओके, और जो आप लोग का जो एडवेंचर जो है, हाँ, टेंट है, वो टोटल कितना है? वो टोटल हमारा 17 है, 17। ओके, उसमें आपका बड़ा टेंट है जिसमें आपका 3 से 4 जन रह सकते हैं, और जो छोटा टेंट है वो 2 से 3 जन रह सकते हैं। उसका जो कॉस्ट है 1300 पर हेड है इंक्लूडिंग फूड, और भी 4 टाइम्स फूड है और वेलकम ड्रिंक्स है और 2 टाइम्स टी एंड बिस्किट है। और ये जो रेट है पूरा साल फिक्स रहता है क्या? ये मतलब वीकेंड में फिक्स रहता है, बाकी वीकडे में अगर आएंगे तो डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू, वेलकम। तो हम लोग अभी यहाँ पे डाइनिंग एरिया में, और इन्होंने हमारी कल से बहुत हेल्प की, लगेज भी ले आए सब कुछ बहुत बिल्कुल स्माइली फेस के साथ सब कुछ किया। तो आप यहाँ पे कब से हैं दादा? यहाँ पर 1 साल हो गया। ओह अच्छा, कल से आप बिल्कुल स्माइली फेस के साथ बिल्कुल हंसते हंसते सब कुछ कर रहे, थक नहीं जाते आप? क्या करेंगे, हमारा ड्यूटी है ना, करना पड़ेगा। टेंट के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छा स्पेस, बहुत बड़ा स्पेस मिल रहा है, करीब 3 लोगों के रहने के लिए इजीली आप लोग रह सकते हो। और अंदर में आपको एक फैन दिया गया है, स्टैंड फैन, तो आप लोगों को अंदर बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी, ऐसे ही बहुत हवादार है, ये खुला है, बहुत अच्छा है। तो नाम है VIP टेंट। तो यह है हमारा अमेज़न टेंट, इसके अंदर भी बहुत ही ज्यादा स्पेस है गाइस। देखिए इसके अंदर भी आपको चार्जिंग पॉइंट वगैरह सब मिल जा रहा है, स्टैंड फैन भी है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आराम से 3 जन रह सकते हैं, काफी अच्छा है। और इसके साथ ही आपको मिल जाएगा कॉमन वॉशरूम, जो कि 5 से 6 यहाँ पे कॉमन वॉशरूम है, तो वॉशरूम को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, और वॉशरूम भी काफी साफ है, ऐसा नहीं है कि गंदा है टेंट है, तो कॉमन वॉशरूम है, काफी साफ है, बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि 1-2 है, तो उसके लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक टेंट के बाहर आपको यहाँ कितना अच्छा एक बैठने के लिए हवादार जगह मिल जा रहा है, वाओ, और सामने में आपको यहाँ एक झूला भी मिल रहा है। तो हम लोग का लंच टाइम हो चुका है, तो हम लोग ऑर्डर किए है एक प्रॉन जो है ये, और एक प्लेट है पनीर, और साथ में एक आलू का सब्जी है, ये भुजिया है, दाल है, चटनी है, सैलड है और राइस, और उसमें भी सेम है। लंच के बाद हम लोग फिर से सी बीच जा रहे हैं, थोड़ा टाइम वहीं स्पेंड कर लेंगे, क्योंकि आज रात 9 बजे हम लोग चेकआउट करने वाले हैं, ट्रेन का टिकट अवेलेबल नहीं था नेक्स्ट डे के लिए, तो आज बहुत मुश्किल से टिकट मिला है। तो और एक इन्फॉर्मेशन है गाइस, इस सी बीच के ऊपर कोई भी पार्टीज़ बोलिए अरेंज हो सकता है, अगर आप लार्ज ग्रुप में आते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग फ़ोन में बात कर लीजिएगा, सब कुछ अरेंज हो जाएगा। कैंप से स्टेशन का जर्नी 1 घंटा 20 मिनट का था, तो रात को आने का एक फ़ायदा हुआ है कि हम लोग कुछ पंडाल देखे और एक मेला भी हो रहा था, उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल में आ चुका है, आप लोग ऊपर का आई बटन में क्लिक करके वीडियो ज़रूर देखिएगा। हम लोग पहुंच गए हैं अभी बालासोर स्टेशन, हमारी ट्रेन अभी कुछ देर बाद ही है, अभी बज रहा है 10:30, हमारी ट्रेन करीब 1 बजे है, हम लोग वेटिंग हॉल में वेट करेंगे तब तक, और हम लोग का जर्नी टूर यहीं ख़त्म होता है। अच्छा लग रहा है घर जाने में क्या? अच्छा तो नहीं लग रहा है, बहुत ही अच्छा प्लेस था ये। हाँ, हम लोग जल्दी मिलेंगे आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो और एक न्यू वाइब के साथ, फिर हम लोग बहुत इन्जॉय किए, बहुत हाँ। बहुत ज़्यादा इन्जॉय किए,
और आप लोग को अगर वीडियो देख के अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा बाय गाइस, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। बाय। फीलिंग वेरी बोर्ड, सो हम लोग को स्टेशन पे मच्छर काट रहा है, वेटिंग हॉल भी नहीं मिला क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग करना होता है, तो अभी ऑनलाइन बुकिंग नहीं लेंगे वो लोग, ट्रेन अभी कुछ देर में आने वाली है। स्टेशन पे बैठ के बहुत बोर हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोगों का झगड़ा भी देख लिया, अभी मच्छर हम लोग के साथ झगड़ा कर रहा है।